A very happy new year to all of you those who are watching. मैं आप सबको विश करती हूँ यीशु के नाम से इस नए वर्ष में आप सभी का स्वागत है. इस साल का प्रॉमिस वर्ड हम वर्स देखने जा रहे हैं यशायाहा 45:3 में. मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे नाम लेकर बुलाता है. अभी हम यहाँ पर देखते हैं यशाया 45:3 में अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त में छुपा हुआ वो स्थानों की गड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा. इस वर्ष में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों आज पिता हमें यह वचन देते हैं कि अंधकार में जो छुपा हुआ धन तुम्हें मैं लेकर दूंगा. अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है. यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तुझे पदवी दी है. मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं. मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं. यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई ही नहीं. मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है. अभी हम यहाँ पर देखते हैं पिता परमेश्वर आज हमें यह वचन देते हैं कि प्रॉमिस वर्स देते हैं कि हमारी जो दुख दर्द है वो परमेश्वर देखते आ रहा है और दुख दर्दों को पीढ़ी को निकालने वाला है. अभी यह कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही यहोवा हूँ. राइजिंग सन से लेके सेटिंग सन हम देखते हैं कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक मैं ही पिता परमेश्वर कहता है और पूरी आकाशमंडल उसने बनाया है. पूरी हम देखते हैं कि आकाशमंडल से लेके हम धरती में जो भी डिप्लॉयड हुआ है कॉन्टिनेंट्स को देखते यह सब में जो भी इतने सारे लोग हैं पीढ़ी है वंश है ये सबका पिता परमेश्वर एक ही है वो यहोवा है. और वो हमें कहता है कि तुम्हारे जो दिमाग में भी नहीं रहा होगा मतलब हमारे दिमाग में हमने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारा प्लान हमारा जो प्लान रहता है वो पिता परमेश्वर का प्लान से अलग ही रहता है. तो उनके प्लान के हिसाब हम नहीं चलते हैं, हमारा प्लान के हिसाब से हम चलते हैं. हमें नहीं पता चलता है कि पिता परमेश्वर हमारे लिए क्या प्लान रची है. तो उस प्लान के हिसाब से मैं आपके दिमाग में छोटी सी प्लान रहेगी आपके जीवन के बारे में आपका फ्यूचर प्लान रहेगा तो कुछ भी रहेगा लेकिन उसके बारे में पिता परमेश्वर का प्लान अलग है. हम देखते हैं यशाया 55:8 में क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है न तुम्हारी गति और मेरी गति एक ही सी है. ये कहता है कि मेरा रास्ता तुम्हारा रास्ता अलग नहीं है. तुम्हारा विचार भी मेरे विचार के बराबर नहीं है क्योंकि परमेश्वर का जो विचार है वो हमारे विचार से अलग रहता है और वो सक्सेसफुल रहता है और वो कामयाबी लेकर आता है. उस विचार परमेश्वर के विचार हम कभी अपना सकते हैं जब हम प्रभु को बोलेंगे कि आप मेरे जीवन को आके पूरे कंट्रोल कीजिए. पिता परमेश्वर आप मेरे जीवन में प्रवेश कीजिए, आपको मैं सब समर्पण करती हूँ. जब हम पिता परमेश्वर के वचन के हिसाब से जब चलते हैं तब पिता परमेश्वर हमारे सोच और विचार में भी कार्य करने लगते हैं. तो पिता परमेश्वर हमारे लिए हानिकारक नहीं है, कभी भी हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है. हमें हमेशा लगता है कि क्यों गॉड ने मेरे साथ ऐसा किया. जब भी हम तकलीफ से जाते हैं, जब भी हम बुराई से गुजरते हैं, जब भी हम कठिनाई से या तो हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम नहीं समझ पाते कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तभी हमें लगता है कि पिता परमेश्वर ये सब हमारे जीवन में लेकर आ रहे हैं. लेकिन पिता परमेश्वर का वचन कहता है देखो उनकी सोच तुम जिस तरह सोचते हो उस तरह की सोचने वो हमें हानि पहुंचाने के लिए प्लान नहीं करते बल्कि हमें दूध और मद की धारा की ओर ले चलते हैं. अभी दूध और मद की धारा किसे बोलते हैं कि लैंड फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी.
लैंड फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी बोले तो आशीष भरा हुआ देश, अ ब्लेस्ड नेशन, द नेशन विच इज फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी. दिस सिंबलाइजेस गॉड इज गोइंग टू ओपन द डोर्स ऑफ दैट ब्लेसिंग अपॉन योर लाइफ. तो हम यहाँ पर देखते हैं हनी पहुँचाने का मतलब देखते हैं, 40 वर्ष तक ये यहूदी लोग रेगिस्तान के जंगल में घूम रहे, भटक रहे हैं, 40 वर्ष तक भटक रहे, जबकि वो एक दिन का भी रास्ता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था और गॉड ने उनको वहाँ पर घुमाया ताकि वो अंडरस्टैंड करे कि हमें बनाया हुआ परमेश्वर शक्तिशाली है, हमारे जो नीड्स को फुलफिल करता है. क्योंकि ये जो मिस्र देश में जाकर वहाँ पर रहने लगे, 400 साल हो चुका था, और जब वहाँ पर रहने लगे थे तो दे ग्रीव अप अंडर द सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट. तो वो मिस्र देश में अभी उन्हें पिता परमेश्वर कौन है वो भूल चुके होंगे, क्योंकि ये तो नई पीढ़ी आ चुकी थी और वे भूल चुके थे. इसके लिए पिता परमेश्वर उन्हें रेगिस्तान में लेके जाते, लेकिन रेगिस्तान जीवन भर वो लोग रेगिस्तान में नहीं भटके, उसका भी एक अंत हुआ, 40 वर्ष का अंत हुआ. तो जैसे 40 वर्ष का समाप्त हुआ, बुरे दिन का भी हमारे जीवन में अंत होगा, गॉड अंत लेकर आएंगे. हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में बुरे दिन आए थे. अय्यूब के जीवन में इतना बुरा दिन आया कि उसकी बीवी भी श्राप देने लगी थी, लेकिन वह परमेश्वर के सामने से नहीं हटा, बल्कि परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास स्थिर रहा. हम देखते हैं दाऊद के जीवन में भी बुरे दिन आए थे, उधर इधर भटकता था, शाऊल ने उसको इतना तंग किया था कि वो भटकने लगा था, लेकिन दाऊद को वह दिन गॉड ने निकाल दिया. हम देखते हैं रूथ और नवोमी के जीवन में भी यही संभावना देखते हैं. जब वो आते हैं अपने मुल्क में, जब अपने मुल्क में आते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे यहाँ पर उनके जीवन में रोने धोने का सिवा और कुछ नहीं था, लेकिन गॉड ने वहाँ पर उनको रेस्टोरेशन करते हैं. हन्ना के जीवन में भी हम देखते हैं कि उसकी शर्मिंदगी, बच्चा ना होने के कारण उसके जीवन में बहुत शर्मिंदगी, लेकिन गॉड ने वो शर्मिंदगी को हटाया और उसे खुश रखा, उसके बैरेनिटी को निकाल दिया और गॉड ने उसे बच्चा दिया, जो हम देखते हैं कि शमूएल है. और राखेल के जीवन में भी इसी तरह की शर्मिंदगी, अपनी बहन के सामने उसको सेम ये इसी घटना से गुजरना पड़ा, लेकिन पिता परमेश्वर उन्हें भूले नहीं. जो जो पिता परमेश्वर का नाम से पुकारा उसे तुरंत पिता परमेश्वर ने उत्तर दिया. हम देखते हैं कि अपने बुरे दिन का एक अंत होने का समय आता है. हम पिता परमेश्वर के नज़र में खूब मूल्यवान पत्थर है, खूब हमें वो उस तरह देखता है. हम किस तरह सोचते उस तरह पिता परमेश्वर नहीं देखते. ही इज लुकिंग एट अस अ वैल्यूएबल ट्रेजर. हो सकता है आपका रास्ता प्रभु का रास्ता न हो. यशायाह 55:8 में हम देखते हैं जैसे यहोवा कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार का समान नहीं है. तो हमारा रास्ता भी पिता परमेश्वर का रास्ता जैसा नहीं होगा, लेकिन तो भी हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर ने एक रास्ता रखा है. और हम देखते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो एंड अप होते हैं. भजन संहिता 30:5 में लिखा है उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर का होता है. उसका क्रोध कुछ ही समय के लिए रहता है हमारे जीवन में. गॉड दे देते हैं हमारे जीवन में ट्रायल दे देते, टेम्पटेशन दे देते, और फिर उसका प्रसन्नता जॉय हमारे जीवन में आता है. जीवन भर का हमारे जीवन में उसका जॉय से हम उमरते हैं. हालेलुया, हमारे जीवन में खिलता है जॉय. हालेलुया. योर कर्स विल एंड अप, जो शापित है हम उस शाप में से पिता परमेश्वर हमें कैसे बाहर लेके आएंगे. लेकिन हम क्यों श्रापित हैं? हम देखते हैं हम कलीसिया में जाते हैं, हमने यीशु को कभी अपनाया नहीं. हम जानते हैं कि जनरेशन से जनरेशन लेकर हम हैं क्रिश्चियन, हम कहलाते हैं बिकॉज वी फॉलो जीसस. लेकिन क्यों हमारे जीवन में कर्ज है?
क्योंकि हम कभी पिता परमेश्वर को ढूंढते नहीं, खोजते नहीं, और हम शापित होते। यीशु को हमारे दिल में जगह नहीं देते, हमारे हृदय में यीशु के लिए जगह नहीं रहता। मूर्ति पूजा, भावी करने वाले, टोना या तांत्रिक के पास जाने वाले को श्राप पीढ़ी पीढ़ी लगता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 18:12 में लिखा है, क्योंकि कि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। घृणित मतलब क्या है? अबोमिनेशन। जो भी ऐसे काम करते हैं कि जो डेड स्पिरिट को वर्शिप करते हैं, मरे हुए को पूजा करते हैं, जो जनरेशनल फोरफादर है, एंसेस्टर के स्पिरिट को वर्शिप करते हैं। और हो सकता है हम बहुत लूजर्स दिखाई देते इसमें, परास्त, बहुत से नुकसान हमें मिलता है। हम देखते हैं फिनेंशियल, हम क्यों श्रापित रहते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में फिनेंशियल डिप्रेशिएशन होता है, इनक्यूरेबल डिजीज। सो ये जो श्राप है वह आशीष को आने से रुकावट बनता है। जब हम श्रापित होते तो पिता परमेश्वर हमें आके आशीष नहीं दे सकते। क्यों नहीं हमें आशीष दे सकते? बिकॉज हम कर्ज्ड। तो हमारा जो कर्ज रहता है वो किस तरह रहता है? हम देखते हैं कि हमारा भूमि कर्ज रहता है, हम स्ट्राइव करते, स्ट्रगल करते। हम देखते हैं कि हम किसी से भी उधार लेते बैठते उधारी बन जाते, और हमारा कंडीशन ऐसा रहता है कि हम कितना भी प्रयत्न करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, हमारे जीवन में कोई उत्तीर्ण नहीं रहता। इस कारण हम देखते कि श्राप पीढ़ी पीढ़ी रहता है, उस श्राप को हमें ब्रेक करना रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आत्मा का श्राप परमेश्वर की प्रशंसा से जब दूर हो जाता है आत्मा, वो कि वह धरती पे एवैक्यूएट किया जाता है, धरती पे उसको गॉड डाल देते हैं। जब धरती पर आता है तो वो श्रापित रहता है, क्योंकि उसे फिर से सब नई शुरुआत करनी रहती है। तो आदम के जीवन में ऐसा होता है कि उसको हार्ड वर्क बहुत करनी रहती है, मेहनत करता है। तो ये श्राप में क्या हो जाता है? परमेश्वर का प्रशंसा से हट जाता है। शाऊल के जीवन में भी हम देखते हैं कि उसको भी श्राप मिला था। कैसे श्राप? एक बार हम देखते कि शाऊल ने बुत सिद्धि करने वालों को देश में से निकाल दिया था। ओझो और बुत सिद्धि करने वालों को अपने देश में से हटा दिया था। लेकिन उसको दाऊद के ऊपर इतनी जलसी थी कि हर वक्त वो सोचता था कि मैं उसे कैसे मारूं, और उसने हनीक हाई प्रीस्ट को भी मारा था। इसलिए पिता परमेश्वर को पसंद नहीं आया, तो गॉड भी उसे बात करना छोड़ देते, तो वो श्रापित बन जाते। जब परमेश्वर हमारे से बात नहीं करते तो हम श्राप में रहते हैं। तो इस श्राप का अंत परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया। तो इस श्राप को परमेश्वर हमारे जीवन में अंत लेकर आएगा। हम देखते हैं कि यीशु मरकुस 11 में 12 से 14 में हम देखते हैं कि यीशु यरूशलेम के ओर बेतेनिया से निकल पड़ते हैं, और जब जैसे वो जाते हैं तो वहाँ पर बहुत भूख लगता है यीशु को, और वो देखते हैं कि अंजीर का पेड़ सामने है, हरा भरा है, लेकिन जाकर पेड़ के नज़दीक जाकर देखते हैं वहाँ पर फल नहीं रहता है। जो जैसे ही जब उनकी नज़र में आता है कि एक भी फल नहीं, तो वो कर्ज करते उस पेड़ को। क्या बोलते हैं कि अब से कोई तेरा फल कभी न खाए, इस तरह के श्राप दे के वो निकल पड़ते। लेकिन जब वो यरूशलेम में से लौट आते हैं, यीशु और उनके चेले लोग साथ में आते हैं, तब देखते हैं तो वहाँ पर पूरे पेड़ सूखी हुई थी, जड़ से लेकर पूरी पत्तियाँ गिर चुकी थी। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यीशु का वर्डिंग्स पावर था, और वो श्राप लग चुका था तो उस पेड़ हरा भरा पेड़ सूख जाता है। इसी तरह श्राप बहुत ही हमारे जीवन में प्रोलिफिक बनने नहीं देता है। यह होता है कि
हम अगर श्रापित हैं तो हम कितना हार्डवर्क करते हैं लेकिन हमारा मेहनत बेकार हो जाता है, हम फलदायी नहीं बनते। मेरा खुद का एक एग्जाम्पल, जब मैं व्हेन आई वाज सीवियरली फाइनेंशियल स्ट्रिकन, जब मैं बहुत इनिशियली मेरे पास पैसे पूरे नहीं हो पाते थे तो बहुत अग्रेशन, क्रोध में जिंदगी जाता था। हमें लगता है ना कभी भी हमारे लाइफ में ऐसा होता है, जब हम फाइनेंशियली स्ट्राइक होते, यीशु ही हमारे उलझनों को बदलने वाला है। तो मेरे जीवन में भी इसी तरह हुआ था, उलझनों में मैं बंधी हुई थी और पिता परमेश्वर ने मेरे को रास्ता खोला और मैं जब यीशु को अपनाने लगी तो मैंने यीशु को देखा। लेकिन मेरा पुराने जीवन में यीशु ऐसा दिखाई पड़ता था कि मैं रियल क्रिश्चियन हूँ, लेकिन रियल क्रिश्चियन नहीं थी, क्योंकि मेरा सब बाहर से हम दिखाते कि हाँ वी वर्शिप, वी गो टू चर्च, वो नहीं होता है। यहाँ पर ये होता है कि हमारे जीवन में आर वी सर्चिंग गॉड एवरी डे, आर वी हैविंग दैट वर्ड इन आवर हार्ट, आर वी परस्यूइंग गॉड, हम यीशु को जानते हैं क्या, हम यीशु का वचन को पालन करते हैं क्या, वह इम्पोर्टेंस होता है। वो मेरे जीवन में जब यीशु आए, जब मैं इम्पोर्टेंस देने लगी उसके वर्डिंग्स को, प्रेयरफुल लाइफ में जब एंटर हुई, अ कॉमन मैन, अ नॉर्मल पीपल कैन डू प्रेयर्स रेगुलरली, एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन में प्रार्थना कर सकता है, उसके लिए पासबान बनने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम यीशु को प्रायोरिटी देते, जब हमारे जो 24 hours रहता है, फर्स्ट hour व्हेन वी गिव टू गॉड, दैट मेक्स अ सेंस, दैट ब्रिंग्स अ डिफरेंस, वो हमारे जीवन में चेंजेस लेकर आता है और बहुत सारे कार्य करता है। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे उलझनों का आंसर है, वो है जीसस। अब्राहम आशीषवान रहा, ऐसा नहीं है, अब्राहम आशीषवान बना, हालेलुया। तो बनने का और रहने का बहुत अंतर है। हम बोलते हैं कि आशीषवान रहना, अगर आशीषवान है पीढ़ी पीढ़ी उनके उनके जो जनरेशन्स है वहाँ पर से अगर उसका ट्रांसफर होता है तो हम बोल सकते हैं कि आशीषवान रहा, लेकिन आशीषवान बना क्योंकि पिता परमेश्वर उसको आशीषवान बनाते हैं, हालेलुया। हम देखते हैं कर्स को आशीष से पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाता है। उत्पत्ति 12:2-3 में हम देखते हैं कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, अब्राहम को पिता परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा काम महान करूंगा और तू आशीषवान, आशीष का मूल होगा। देखो अभी ये साधारण वचन नहीं है, पिता परमेश्वर कहता है कि मैं तुझ में से एक जाति लेकर आऊंगा, तुझे भी बड़ा जाति बनाऊंगा, तू बड़ा आशीषवान होगा, यू विल बी ब्लेस्ड अमंग द नेशन, और तुझे आशीष दूंगा और तेरे काम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। तू जिसे चाहता है आशीषवान बनाना चाहता है, मतलब तेरे दिल में है कि हाँ लॉर्ड लेट देम बी ए ब्लेस्ड पीपल, तो गॉड तुम्हें भी ब्लेस्ड करेंगे, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार गॉड उन्हें आशीषवान बनाएंगे। मत्ती में यीशु अपने चेलों को भेजते हुए कहा है, घर में प्रवेश, मत्ती 10:12-13 में देखते हैं, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, मतलब तुम्हारे पीस वहां पर रेस्ट होगा। अगर तुम प्रवेश हो रहे हैं और कोई आपको वेलकम कर रहा है उनके घर पे और आप जाते हैं और आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना, अगर वो विलिंग है कि तुम्हें आओ प्रार्थना कर ऐसे कहते हैं, तो पिता परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण उनके ऊपर रहेगा, मतलब तुम्हारा पीस उनके ऊपर रेस्ट होगा। न्यू टेस्टमेंट में हम देखते हैं, हम देखते हैं आजकल की दुनिया में अनेक तरह का खोज रहता है
क्या खोज कि मैं किसे लखपति बनू, करोड़पति बनू, अमीर कैसे बनू। मनुष्य को ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पिता परमेश्वर का ब्लेसिंग ऐसा रहता है कि ना, हैप्पीनेस, पीस, जॉय, ब्लेसिंग्स, वो एक पार्ट है। पैसा जितना जरूरी है पिता परमेश्वर देंगे, तुम्हारी जरूरत को पूरी करेंगे, वह है पिता परमेश्वर यहोवा। सो आज मनुष्य कई खोज करता है, कुछ कुछ सोचता है कि मैं कैसे बनूं, कैसे मैं इसका कामयाब बनूं, मेरे जीवन में कामयाब बनने के लिए। और गलत रास्ता भी बहुत है, बहुत सारे लोग गलत रास्ते को अपनाते हैं, लेकिन हमें पिता परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे अगर आशीषवान बनाऊंगा तो तू आशीषवान रहेगा। मतलब वो हमें आशीष करना चाहता है। His willingness is to bless you. We have to receive those blessings. Hallelujah. Hallelujah. वचन कहता है उत्पत्ति 13:2 में, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। उसके पास भेड़ बकरी थे, गाय बैल थे। अभी ये सब रहने की वजह से, लिव स्टॉक की वजह से वो क्या धनी बन गया, क्योंकि उसको जो जरूरत थी पिता परमेश्वर ने पूरी की। अगर पिता परमेश्वर हमें अब्राहम की तरह आशीष करते हैं तो हम आशीषवान रहेंगे। हालेलुया। तुम्हारे पास कोई तो पिता परमेश्वर ने कुछ तो ऐसे टैलेंट तुम्हारे पास दी होगी। मूसा के पास जब प्रकट हुए पिता परमेश्वर तो पूछे कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो वह देखे कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ तो भेड़ बकरी चराता था माउंट होरब के बाजू में। तो वहां पर उसके हाथ में दिखा पिता परमेश्वर को एक लाठी, बस एक लाठी ही था उसके हाथ में और कुछ नहीं। पिता परमेश्वर ने बोला कि तेरे हाथ में क्या है, लाठी। उस लाठी से मैं तुझे मिस्र देश में भेजूंगा और वहां पर ऐसा पराक्रम कार्य करूंगा कि वो अचंबा रह जाएंगे। उसके लाठी को ले गए और उन्हें 10, हम देखते 10 महामारी के विपत्ति से उस देश को हिला के रख दिया। हालेलुया। और देखते हैं कि मूसा के हाथ में जो दी गई लाठी थी उसे पिता परमेश्वर ने आशीष दे दिया। मतलब जो तुम्हारे हाथ में क्या काम है, तुम्हें क्या नॉलेज है, तुम्हारे टैलेंट्स क्या है, उस हिसाब से मैं आशीष दूंगा। लेकिन पहले तो पिता परमेश्वर से पूछो, आप गॉड से पूछो। आप पूछते नहीं हो, एक बार पूछने से नहीं होता। एवरी डे यू गेट अप एंड यू से, लॉर्ड आई हैव दीज नीड्स, मीट माई नीड्स, गिव मी दैट टैलेंट। एंड इफ यू हैव द टैलेंट यू आस्क गॉड, गॉड ब्रश अप माई टैलेंट्स, मुझे और ज्यादा नॉलेज चाहिए, मुझे और इसका रास्ता बताना। सिंपल प्रेयर, एक सिंपल प्रेयर तुम्हारे जीवन को इतना बदलाव कर देती है। हालेलुया। और मूसा ने उस समुद्र को दो आर पार करा दिया, लोगों को लेकर गया उस छड़ी। पिता परमेश्वर पूछा था तेरे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है, उस टैलेंट को गॉड यूटिलाइज करेंगे। हमेशा हम क्या समझते हैं कि मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं तो जीवन में बहुत फेलियर हूं, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं सकता। हम हमारी नाकामयाबी को आगे खड़ा करते हैं। उस नाकामयाबी को हमें हटाना है और हमारे जीवन में इस वर्ष में एक बढ़ोतरी के जीवन मान कर आगे बढ़ना है। और पिता परमेश्वर के सामने जब भी प्रेयर करोगे तो ऐसे करना कि पिता परमेश्वर आप मुझे उठाओ, आप मुझे खड़ा करो, आप मुझे ज्ञान दो, आप मेरे ब्रेन, आप मुझे टैलेंट दो, आप मुझे आगे बढ़ाना पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर के सामने पॉजिटिव वर्ड्स रखिए। हालेलुया। तो गॉड आपके जीवन में बड़ा ब्रेक थ्रू देंगे। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि आशीष का स्वर्ग, पिता परमेश्वर स्वर्ग से खुलेगा, वो खिड़की खुली दी जाएगी आपके लिए। जैसे ही खिड़की खुलेगी आपके उधार, आपके कर्ज सब उड़ जाएंगे, आपके बीमारी दूर होने शुरू हो जाएगी, आपके जीवन में आप देखेंगे सब रेस्टोर हो रहा है, आप देखेंगे कि सभी आपको आशीष करने के लिए आपके आजू बाजू में लोग रहेंगे। हमारी जो भी हानि हुई है वो वापस लौटाएंगे, मरम्मत करेंगे, रेस्टोरेशन करेंगे। योवेल 2:25 में हम देखते हैं, जिन वर्षों को अपने अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हास्तिल ने और गाजम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको
मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खाली थी, मैंने तुम्हारे बीच भेजा। परमेश्वर कहता है कि ये जो टिड्डियां हैं, ये जो टिड्डियां मीन्स लोकस्ट, इस टिड्डियों को पिता परमेश्वर ने भेजा है। बाइबल में अगर टिड्डियां कहा गया है तो वो डिस्ट्रॉयर होता है। डिस्ट्रॉयर कम्स टू स्टील, डिस्ट्रॉय, हर्ट अस, हार्म अस। तो इसको गॉड हमारे जीवन में से जो भी हमारे वर्ष को नष्ट किया था उसे हमें जीवन में वापस लाते हैं। तो हम देखते हैं कि अरबे नामक, एलेक नामक, ये सब टिड्डियां जो है, स्वार्मिंग लोकस्ट, कंज्यूमिंग लोकस्ट, हम देखते हैं ये सब लोकस्ट जो कहा गया है वो एक वैरायटी ऑफ लोकस्ट है जो ग्रुप में आते हैं, हमारे अनाज को ख़त्म कर देते हैं एक ही दिन में। जो भी हम मेहनती पूरे फसल में जो मेहनत लगाते पूरे ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो इसे बिब्लिकली हम देखेंगे तो यह हमें सर्वनाश करने के लिए हमारे जीवन में आता है। तो इसे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6 में भी हम देखते हैं कि यह एक डिस्ट्रॉयर है। और यह डिस्ट्रॉयर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में समाधान, हमारा शांति निकाल कर लेके जाता है, हमारा हम श्रापित होते हैं, अनाज और हमारे रोटी पानी खान पान को अकाल पर ले चलता है। तो हमें हमारे जीवन में हमें तकलीफ देने के लिए आता है। प्रकाशित वाक्य 6 में ये डिस्ट्रॉयर निकल पड़ता है और मनुष्य के शांति निकाल देता है और हमें हंगर स्टार्वेशन में लेके चलता है। तो ये सब विनाश लेके आने वाला डिस्ट्रॉयर है। तो हम देखते हैं कि योवेल 2:26 में लिखा है कि यू शैल ईट इन प्लंटी एंड बी सैटिस्फाइड, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगी। तो पिता परमेश्वर हमें यह वचन देते हैं कि इस वर्ष में तुम्हारी जो भी टिड्डियां लेकर गए वो वापस मैं लेकर आऊँगा, तुम भरपूर खाओगे, ए रेस्टोरेशन विल कम अपॉन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में मैं पूरी कर दूंगा, पिता परमेश्वर यह कहता है। हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 7:14-15 तक देखते हैं कि तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होगी और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई नहीं होगा। तो पिता परमेश्वर हमें ये देखते कि अधिक अधिक से हमें ब्लस करेंगे, अधिक धन्य से ब्लस करेंगे, हमारे बीच में कोई बैरनिटी नहीं रहेगा, कोई भी बैरनिटी नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड द ब्लसिंग्स। और 15 में हम देखते कि और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न दूंगा, ये सब तेरे बेरियों ही को लगेगा, तुम्हारे दुश्मन को लगेगा, लेकिन तुम्हें कोई भी जो भी मैं डिजीज सिकनेस भेजा था मिस्र देश में वो सारे तुम्हारे निकट नहीं आएंगे। और कहता है कि सब प्रकार के रोग तेरे घर के निकट से हटा दूंगा, तुम्हारे जगह से मैं उस रोग को हटा दूंगा, पिता परमेश्वर कहता है। इसके लिए यह साल आशीष से भरेगा, ए प्लंटी, ए रेस्टोरेशन, आप भरपूर से तृप्त हो जाओगे, पिता परमेश्वर आपके लिए खिड़की खोलेगा, आशीष करेगा, आपके जीवन में आप आशीष लेकर आओगे, आपके आजू बाजू के लोगों के जीवन में आशीष लेकर आओगे, आपके परिवार आशीषवान होंगे। आप पिता परमेश्वर इस वर्ष में आपको एक बढ़ोती देगा, आगे आप चलोगे। और हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 28:12 व्यवस्था विवरण 28:12 में यहोवा कहता है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। पिता परमेश्वर अपना स्वर्ग का भंडार खोल के, ए ट्रेजर फ्रॉम हेवन खोल कर तुम्हें इतना आशीष देगा कि तुम सोच के गॉड को थैंक्स गिविंग दोगे, धन्य करोगे, ग्लोरीफाई करोगे, उसके नाम को महिमा करोगे। और मेरे तरफ से आप लोग को
बहुत ब्लसिंग्स, गॉड आपको ब्लस करे, आशीष दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए। पिता परमेश्वर, जो कोई भी अब यह देख रहा है उनके ऊपर आपका आशीष और आपका स्वर्ग का वो भंडार खोल दिया जाए, ट्रेजर इनके जीवन में भर देना पिता परमेश्वर, श्राप इनके जीवन से हटाकर इन्हें बहुताई आशीष देना पिता परमेश्वर। एक एक को छुए, आपका पवित्र आत्मा उस जगह पर मंडराए जो लोग ये वॉच कर रहे हैं, और उनके जीवन को बदल देना। श्राप पीढ़ी पीढ़ी से जो श्राप इनके जीवन में आया है उस सब श्राप को आप अपरूट करना पिता परमेश्वर। इनके नाकामयाबी को कामयाब बनाना पिता परमेश्वर। हर एक इनके बीमारी को दूर करना, इन्हें चंगाई देना। हर एक बीमारी, कोई भी बीमारी हो, इन्हें चंगाई देना इस वर्ष में पिता परमेश्वर। इन्हें ऐसे दुगना आशीष देना। और मैं इनके लिए इतना प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके लिए जो भी हेल्प आप हेल्प के लिए डोर खोले, लोग इनके बाजू में आकर इन्हें आशीष करना चाहिए पिता परमेश्वर। मैं इनके लिए इतना प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें भर दे, अपने अपने आशीष से भर देना, और आपका पवित्र आत्मा इनके ऊपर मंडराए, इनके कार्य में मंडराए, इनके घर में मंडराए, पवित्र आत्मा इनको भर देना पिता परमेश्वर। मैं इनके लिए और प्रार्थना करना चाहती हूँ, इन्हें टैलेंट्स देना, इनको जो भी कोई कम टैलेंट्स होंगे तो उनको टैलेंट्स देना, नॉलेज देना पिता परमेश्वर कि किस तरह के काम करें। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ उनको विजडम देना पिता परमेश्वर। बड़ों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ उनको अबा फादर विजडम देना अबा फादर। छोटे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चों को पिता परमेश्वर, सही रास्ते पर चलने के लिए आपके वचन उनके हृदय में पिता परमेश्वर बोझ देना, उस वर्ड को उनके हार्ट में सो करना पिता परमेश्वर। मैं देती हूँ ये बच्चों को भी, और जो बड़े लोग देख रहे हैं, जो बीमार अब पीढ़ी पीढ़ी से जो भी कोई बीमार हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, हो सकता है यूरिक एसिड हो सकता है, या तो इनको ल्यूकेमिया हो सकता है, या तो इनको कोई भी बीमारी हो सकता है जो स्पेशली ऑन स्किन डिजीज, उन बीमारियों को दूर करना, बैरनिटी हो सकता है उस बीमारियों को दूर करना, और किडनी इन्फेक्शंस हो सकता है उस बीमारियों को दूर करना पिता परमेश्वर। ये जो पैनक्रियास डिजीज हो सकता है उसको हील करना पिता परमेश्वर, और किसी किसी को पिता परमेश्वर ये जो कैंसर का जो डिजीज है वो हील कर देना। जो डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ गारंटी दे नहीं सकते, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उनको रेस्टोर करना। और जो लोग भी कई लोग कोमा में जा चुके हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ उस अस्पताल में आपका पवित्र आत्मा जाए और वहाँ पर उनको वापस ठीक तरह से हील करना पिता परमेश्वर, उन्हें रेस्टोरेशन करना। और मैं इन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो पिछले साल में बहुत खुश थे, हो सकता है उनके परिवार में कोई लूजर्स हुआ होगा, तो पिता परमेश्वर आप उनको ताकत देना, आप उनके पूरे हृदय को, पीड़ा को आप अपने वचन से हील करना, चंगा देना। अबा फादर आई प्रे फॉर दिस पीपल एंड सम ऑफ देम आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन। जो लोग डिप्रेशन में, उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं उनको छुटकारा देना। जो बच्चे लोग फोन एडिक्शंस, मोबाइल एडिक्शंस में, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ इसी वक्त उनको छुटकारा देना पिता परमेश्वर। इनको भाई बहुताई से आशीष देना, उन सबको आपके समर्पण करती हूँ यीशु के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर to all of you. God bless you.